your device is ready to pair. वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं ये सेकंड वाला सॉन्ग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कौन सा है जो फर्स्ट वाला जो म्यूजिक था उसमें मैंने ये जो ड्रम का है ड्रम का मैंने इस्तेमाल किया सो इसमें क्या होगा इसके जो स्पीकर मैंने ऐसे ऐसे किया तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा हुआ था ऐसे ऐसे उसका वो ऊफर है ये ऊफर है इसलिए थोड़ा सा ऐसे 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 होगा और जो अगर ये सब ऊफर होता तो क्या होता इसके साथ अगर रेडिएटर होता ऊफर बेस रेडिएटर होता तो क्या होता तो ऐसे 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 करते हैं ऐसे ऐसे करते जैसे कि वाटर वेव जैसे कि होता है वाटर वेव की तरह होते जैसे कि जेबीएल का बुक बॉक्स में रहता है उसका जो ऊफर है तो ऊफर ऐसे तरीके से बनाया हुआ है वो ऊपर ही ऐसे तरीके से बने हो कि वेव की तरह वो जंपिंग करेगा और ये एक्चुअली उतना ज़्यादा हाई क्वालिटी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है ये इंडियन में बनाया हुआ है सो ये जस्ट नॉर्मल तरीके से ये अप डाउन करेगा तो ये इस वीडियो में मैंने आपको पूरा साउंड सुना दिया आपको कैसा लगा तो आप यू शुड बी कमेंट इन द कमेंट एंड इसका साउंड मैंने आपको ऑलरेडी सुना चक्र हो तो क्या होगा ये सबसे मोटा मोटी जो कम दामों में ये होम थिएटर काफ़ी अच्छा है मेड इन इंडिया है कोई चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है ये आपको अगर कोई ख़राब हो जाए तो आप ये रिप्लेस पा सकते हैं और जो और एक कंपनी है जो मेड इन इंडिया बनाता है उसका तो साउंड क्वालिटी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा और एक कंपनी है तो ये एक्चुअली क्या होता है इसका जो ऊफर है वो ज़्यादा हाई बूस्टेड नहीं है इसका जो ऊफर का जो क्वालिटी है ये ऊफर है इसलिए ये हाई बूस्टेड नहीं है यस अगर ये सब ऊपर होता तो हाई बूस्टेड जो होता है हाई बूस्टेड होता और ये क्या होता है ये
एकदम नेचुरल साउंड आउटपुट देता है कंपनी क्लेम दैट इट प्रोड्यूस द नेचुरल साउंड ये एक्चुअली नेचुरल साउंड है जो थिएटर में आपको सुनने को मिलेगा जितना भी आप कॉस्टली आप स्पीकर खरीदोगे उसमें सेम ही चीज होगा नेचुरल साउंड वो आउटपुट करेगा जो साउंड सिग्नेचर का जो जो साउंड सिग्नेचर का ओरिजिनल जो सिग्नेचर होता है जैसे कि कर्व की तरह होता है कर्व ये हाई फ्रिक्वेंसी होता है और मिड हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी मिडिल में रहता है और नीचे रहता है और हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी ऊपर रहता है इसलिए इसका कर्व होता है जितना भी कॉस्टली साउंड सिस्टम है सब लोग क्या करते हैं ये जो साउंड सिग्नेचर का है साउंड सिग्नेचर का जो रूल्स है जो थ्योरी है वो थ्योरी फॉलो करते हैं वो भी ये ऑबेज ने फॉलो किया ऑबेज ने क्लेम किया आप जैसे ऑबेज का वेबसाइट में जाकर चेक कीजिए और जो अमेजोन में जाकर ये चेक कीजिए बिफोर परचेज जस्ट सेफ इसमें ये है इसमें ज़्यादा लाउड नहीं है मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा लाउड है ये 100 ये इसका जो 100 टोटल 100 वाट है ये 40 वाट में भी मैंने आपको साउंड नहीं सुनाया ये 40% मैं आपको साउंड सुनाया तो ये तो इतने इस साउंड में ये इतना जोर से साउंड था तो इस घर में बहुत ही ज़्यादा साउंड है तो मैं आशा रखूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा जस्ट शेयर दिस वीडियो एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय